तय होता रहा कि अगली कोई मीटिंग यूपी में भी रखने का है इंडिया का। हालांकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। अरे आइए सुभाष बाबू, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर चले आओ। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे देशों पर? मैं रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जो भी त्यौहार आते हैं कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदारी को याद दिलाते हैं। आज रक्षाबंधन है, मैं समझता हूँ दुनिया में शायद भारत ही एक देश है जहाँ पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। और आज के दिन यही संकल्प लें कि हमारी बहनें, हमारी माताएं, बेटियां सुरक्षित रहें और उनकी हर तरीके से हम लोग रक्षा कर सकें। जहाँ आज हमारी बहनें राखी बांध रही हैं, वहीं इस रक्षाबंधन पे हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि उनकी पढ़ाई से लेकर के और उन्हें कैसे समाज में आगे बढ़ा सकें, उनको कैसे सम्मान दिला सकें, उनके लिए समाज कैसे तैयार हो कि कहीं भी किसी स्थान पर वो सुरक्षित महसूस कर करके काम कर सकें और अपने जीवन को बढ़ा सकें। आज रक्षाबंधन है, महत्वपूर्ण दिन है, किस तरह से देखते हैं? जिस तरह पूरा विपक्ष के लिए आज इम्पोर्टेंट दिन होने जा रहा है, आज मीटिंग भी है। मुझे खुशी इस बात की कि लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं। पहले पटना में हुई, बेंगलोर में, और आज से महाराष्ट्र के और मुंबई शहर में, जो हमारी आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। उनकी सरकार ने धोखा दिया है। अब आज रक्षाबंधन उन्हें याद आया, जब 200 रुपए उन्होंने कम किए सिलेंडर पे। रक्षाबंधन के ही दिन अगर और महंगाई कम हो जाती और चीज़ों में नियंत्रण लग जाता तो जनता को ज़्यादा राहत मिलती। रक्षाबंधन के दिन जहाँ 200 रुपए इन्होंने सिलेंडर पे कम किए हैं, वहीं हमारे किसान और गरीब के लिए भी जो उन्होंने वादा किया था कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, वो याद कर कर के कैसे भी किसानों की आय दोगुनी कर दें। लेकिन ब्रजेश पाठक ने कल एक ट्वीट करके मैसेज दिया, बाइट दी, उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार में बहन बेटियों पर जुल्म करने वालों को बढ़ावा दिया जाता था। देखिए पत्रकार साथियों, ये पद लायक तो नहीं थे जिस पद पर वो बैठे हैं, लेकिन अब पद पे बैठ गए हैं तो पद का सम्मान करना पड़ेगा। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करें। स्वास्थ्य विभाग में कोई भी गरीब जाए, उसको इलाज मिले, दवाई मिले और समय पर उसका इलाज हो जाए, ये जिम्मेदारी सरकार की, उन मुख्यमंत्री की है सबसे बड़ी। लेकिन वो अपना विभाग छोड़ करके हर बीमारी को देख रहे हैं और अपने विभाग को इन्होंने बीमार कर दिया, और इतना बीमार कर दिया है कि अगले 10 साल भी कोई अगर इस विभाग को ठीक करना चाहेगा तो विभाग को ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी, और जो डॉक्टर काम करना चाहते हैं उन पर तानाशाही, और हालात ऐसे हैं कि कहीं भी किसी गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। और पूरे प्रदेश में अगर एक भी उन्होंने जिला अस्पताल बनाया हो तो बता दें, जो ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं उनसे पूछो कि आपने कहीं भी उत्तर प्रदेश में एक जिला अस्पताल बनाया हो तो बता दो। ये इसलिए बहक गए हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं,
क्योंकि घोसी की विधानसभा ये लोग हारने जा रहे हैं। मैं घोसी की जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का घोसी से सफाया होगा। उनके जितने भी मंत्री जा रहे हैं, जाते तो हैं घोसी में, लेकिन मुंह लटका के वापस आते हैं, क्योंकि जो जनता का भाव देखते हैं, उनके चेहरे देखते हैं, तो चेहरा बताता है कि उन्हें वोट नहीं मिलने जा रहा है। क्या ये वहाँ बताएंगे कि बिजली सस्ती है कि महंगी है? बिजली महंगी हो गई, वहाँ पर किसान को राहत नहीं मिली, न किसी नौजवान को नौकरी रोजगार दिया। सिलेंडर अब 200 रुपए से क्या गरीब की मदद हो जाएगी? डीजल पेट्रोल महंगा, खाने की चीज़ें महंगी, और जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो भी नहीं दे पा रही सरकार। इसलिए जाते तो हैं मंत्री वहाँ, लेकिन अपने चेहरे लटका करके आते हैं जब वहाँ की जनता के चेहरे देखते हैं, क्योंकि जनता वहाँ बदलाव लाने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।